हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में गगन जी हैं और इनकी जर्नी के बारे में आप जानकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। इन्होंने मेरे से इंटर एफएम की क्लास ली थी और इनको इंटर एफएम में 77 मार्क्स आए। यस सर, वेरी गुड। उसके बाद इन्होंने इंटर क्लियर करते ही, क्योंकि मैंने क्लास में काफी मोटिवेट किया था, काफी अच्छा मैंने प्रैक्टिकल से लिंक करके आपको पढ़ाया था, इंटर एफएम की क्लासेस को मैंने स्टॉक मार्केट से भी लिंक करा था, तो इनको काफी मोटिवेशन मिला। इन्होंने सीएफए ज्वाइन किया, तो इंटर के बाद इन्होंने सीएफए में एडमिशन लिया, जो वर्ल्ड का नंबर वन फाइनेंस कोर्स माना जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके एग्जाम होते हैं, पूरे दुनिया के लोग इस एग्जाम में पार्ट लेते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से हम कंपटीशन फेस करते हैं यहां पर, और उनमें से हमारे जो स्टूडेंट है गगन, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। सीएफए इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया। अब ये फाइनल की क्लासेस भी मेरे से ले रहे हैं। पीतमपुरा सेंटर में इन्होंने इंटर की क्लासेस ली थी एंड पीतमपुरा सेंटर में ही ये मुझसे फाइनल की क्लासेस ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा मुझसे इंटर एफएम, फाइनल और सीएफए के लिए जुड़ जाता है, और यही गाइडेंस काम आता है, क्योंकि जिंदगी में आपको अपना कर करियर बनाना है तो सही गाइडेंस होना जरूरी है। तो गगन जी, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपको कैसे मोटिवेशन मिला सीएफए करने के लिए और इतना अच्छा आपने सिक्योर किया है? तो सबसे पहले तो क्लासेस का कैसे पता चला आपको, इंटर एफएम की क्लासेस कहां से आपने पता किया कि आदित्य जैन सर को ज्वाइन करना है? सर एक्चुअली मई 18 जब अटेम्प्ट वन हुआ, उसके बाद सर क्लियर हुआ, तो आपकी सर इको में जो नया सब्जेक्ट आया था, तो आपके आया था कि सर आप एसएफएम में अच्छा पढ़ाते हैं, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, तो सर ने कहा था कि डेफिनेटली हमें लेना ही चाहिए, कि अगर आप इंटर एफएम भी अगर आए हैं तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट। तो हम दोस्तों से ही पता चला, थ्रू रेफरल पता चला कि सर एसएफएम अच्छा पढ़ाते हैं, अगर वो इंटर एफएम में आए हैं तो डेफिनेटली। तो हम गए वहाँ पर पीतमपुरा, हमने इंक्वायरी की सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि बैच 15 जून को था हमारा। अच्छा, अब ये भी ध्यान है, 15 जून को बैच, सर का शायद फर्स्ट बैच था वो एफएम के लिए। अच्छा, हाँ, तो वो 15 जून को शुरू हुआ। तो अगर लगा इंटर एफएम सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, मार्क्स भी बहुत अच्छा लाया सर, डेफिनेटली सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सर ने स्टॉक मार्केट के लिए बहुत कुछ बताया, मोटिवेट अच्छा करा, वहीं से सीएफए का मोटिवेशन मिला। सर सर ने फाइनेंस फील्ड में बहुत सारे कैरियर बताए थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, सर ने कहा था क्रेडिट स्विस बैंक है और जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, तो सर ने बहुत सारी मोटिवेशन दिया कि वी शुड गो फॉर इट। तो फिर फाइनल की जो क्लास आपने चयन की, सबसे पहले आपने एसएफएम की क्लास ली? सर सीएफए लेवल वन के बाद जैसे रिजल्ट आया तो 10th जैन को मैंने आपके इनरोल कराया था। अच्छा, और फाइनल की क्लास के लिए चयन करना क्या मुश्किल था? नो सर, नो, बहुत आसान था, हमें पता था कि सर के पास ही जाना है क्योंकि बेस्ट टीचर है। बहुत अच्छा लगता है जब इंटर का बच्चा फाइनल में आता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो आप बिल्कुल बिलीव करके आते हैं कि नहीं, अब मुझे सर के पास ही जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटर में आपने मेरे अप्रोच को समझा होगा और वो आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप फाइनल में आए हैं। क्योंकि देखिए, आजकल कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले हजार बार सोचता है, और आपने डेफिनेटली सोचा जरूर होगा, लेकिन आपने चयन वही किया जो आपका दिल कहा, और इंटर में जो आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा मिला और इतने अच्छे मार्क्स आपके आए, और थैंक यू सो मच कि फाइनल में भी आप क्लासेस कर रहे हैं और आपका सीएफए लेवल वन क्लियर हो गया है, और सीएफए के ऊपर भी हम बहुत सारे गाइडेंस देते हैं। फाइनल में आपको क्या लगता है कि जो हमारा कोर्स कंटेंट है सीएफए से काफी मिलता जुलता है? यस सर, डेफिनेटली फ्रॉम फर्स्ट क्लास मैंने रिलेट काफी कुछ कर पाया कि सीएफए में, और जो सर पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में भी काफी कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखिए, अगर सीए कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक डिग्री है, साथ साथ वो सीएफए भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। यस सर, डेफिनेटली सर बहुत कुछ बताएंगे आपको, सीएफए के बारे में पूरी फुल गाइडेंस मिलती है यहाँ पर, थ्रू मोटिवेशन हो गया, और सर एग्जाम्पल भी बहुत सारे देते हैं, तो
काफी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी सर के क्लास से, प्रैक्टिकल अप्रोच तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है सर की, काफी कुछ आपको हेल्प मिलेगी, जरूर मिलेगी, सीएफए लेवल वन के लिए तो सर के मदद से जरूर हो ही जाएगा आपका आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना करियर फाइनेंस में ही दिख रहा है? यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली अपना आप करियर फाइनेंस में ही बनाना चाहते हैं? यस सर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इनफैक्ट हमारे कुछ बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में, और उनको अच्छी खासी स्टाइपेंड भी मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए पर मंथ उनका स्टाइपेंड होता है विद सैटरडे संडे ऑफ। तो क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगे उन सब फर्म्स में? डेफिनेटली सर, सर के सर ने बताया था, एक दो एग्जांपल दिए थे, और सर का भी जो लेटेस्ट है सर ने बताया कि म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो सर ने बताया कि निकेश अरोड़ा सर हैं। अच्छा, बहुत आप अपडेट रखते हो। यस सर, यस सर, डेफिनेटली बहुत अपडेट रखते हो सर को। देखो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्लास के साथ साथ अपने आप को अपडेट रखना, जो मैं और चीजें बताता हूँ आप उन पे भी बहुत ज्यादा गौर से समझते हो चीजों को, तभी आपने कर पाए। यस सर, डेफिनेटली सर। तो बहुत खुश, सबसे पहले आपने जब रिजल्ट आया तो आपने मुझसे शेयर किया सर, और डेफिनेटली हमने बोला कि नहीं, हम इस बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। बहुत लोग सोचते रहते हैं करें नहीं करें, करें नहीं करें। मैं हमेशा कहता हूं उन लोगों को, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ज्यादा मत सोचो, समय है कर लो, अभी कर लोगे बाद में ये सब चीजें नहीं होती है। yes, sir, समय definitely. हर समय एक जैसा नहीं रहता है, आगे जाके आप और ज्यादा बिजी होने वाले हैं लाइफ में, तो अभी अगर आपको कुछ भी समय मिलता है आप कर लो, गाइडेंस ले लो। और गाइडेंस के लिए मैं आपको यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, एनीथिंग रिगार्डिंग सीएफए, मैं सीए सीएमए स्टूडेंट सीएस के स्टूडेंट्स को तो पढ़ा ही रहा हूँ, एफएम पढ़ा रहा हूँ, इंटर में फाइनल में एसएफएम पढ़ा रहा हूँ, इलेक्टिव पेपर भी मैं ले रहा हूँ, उनमें से बच्चों के अच्छे मार्क्स आ ही रहे हैं, टॉप कर रहे हैं बच्चे, रैंक लेकर आ रहे हैं और हाईएस्ट मार्क्स लेकर आ रहे हैं। बट अब अगर सीएफए भी आप कर लो, पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स में आपकी कंपटीशन होगी और मैं आपको तैयार करूंगा उसके लिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्यों बढ़िया सर, डेफिनेटली। तो इसलिए सोच लीजिए एक बार, और अगर सोच लिया तो कर लीजिए, फिर बार बार आप अपने डिसीजन को चेंज मत कीजिए। तो अपने इलेक्टिव पेपर का भी कुछ सोचा है? सर अभी तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, मगर सर जैसे बता रहे हैं कि एफएससीएम फाइनेंशियल सर्विस मार्केट, सर डेफिनेटली वही मेरा मतलब ऑल्टरनेटिव रहेगा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि उसी के लिए मैं ऑप्ट करूंगा सर। वेरी गुड, तो आप एफएससीएम इलेक्टिव पेपर लेने का सोच रहे हैं, अभी तो आपके पास टाइम है अभी अटेम्प्ट में, तो डेफिनेटली आप वही लीजिएगा, मैं तो वही रिकमेंड करूंगा, बिकॉज उसमें भी बच्चों का हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है, 84 मार्क्स तक बच्चों का आ रहा है, और डेफिनेटली सुनर बच्चों का 100 out of 100 भी आ सकता है। ठीक है, तो आप उस पर कोशिश करें, डेफिनेटली आप जब कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। यस सर, तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको बोलते हैं फाइनेंस करियर का, बहुत बेखूबी से इन्होंने अपना टाइम यूटिलाइज किया है और अपना धीरे धीरे अपना करियर उसी दौर पे, उसी तरीके से, उसी रास्ते पे चलकर तैयार कर रहे हैं। यस सर, तो इधर उधर भटकने से नहीं चलेगा, सीधा आप अपने गोल को देखें और अपने समय को यूटिलाइज करें। सबसे पहले मैं बोलता हूं समय। यस सर, समय अगर आपके पास है तो आप प्लीज सोचिए मत। मेरे को सर बढ़िया, ठीक है, और आप अच्छा अगर करियर बनाएंगे तो सारा रिकवर हो जाता है, अमाउंट सारा रिकवर हो जाता है, अच्छा आपको स्टाइपेंड, अच्छी आपको सैलरी मिलेगी, ये सारा रिकवर हो जाएगा, बट समय वापस नहीं आएगा। Yes, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय बहुत कुछ दिखाता है लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। Yes, याद रखिएगा, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, काल आ जाता है। Yes, तो यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फ्रेंड्स सीएफए के ऊपर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा। क्लासेस चाहिए, पेनड्राइव क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, सैटेलाइट क्लासेस चाहिए, बुक्स चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप बस हमसे पता करिए किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो गगन, आई विश यू कि आप आगे जो अपने लेवल्स हैं उसको और अच्छे से क्लियर करो, और आपको हमारी क्लास बहुत मदद करेगी। और डेफिनेटली आप कभी डाउट नहीं पूछते हैं सैटेलाइट में, आप सैटेलाइट क्लासेस चल रहे हैं, आप डाउट क्यों नहीं पूछते हैं? सर एक्चुअली डाउट का सवाल ही नहीं पैदा होता सर, बिल्कुल डाउट आते ही नहीं सर आपके जो क्लास तो सैटेलाइट जो आप क्लास करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत दूर है सर, तो लक्ष्मी नगर में बैठे हुए हैं, मैं पीतमपुरा में बैठा हुआ हूँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपके जो कंसेप्ट वाइज लिखवाते हैं सर, पूरा पूरा डिटेल्ड मैनर में है, सोफेस्टिकेट मैनर में पूरा आराम से सर लिखवाएंगे, क्वेश्चन सर सीरियल वाइज करवाते हैं, बहुत बढ़िया है, और सर के जो कंसेप्ट हैं साथ में भी नॉलेज देते हैं सर के, अब तो क्वेश्चन बड़े आराम से आपको समझ आएगा, कोई मुश्किल नहीं। आपने एक भी डाउट नहीं पूछा सर? डाउट आते
आते हैं तो एक सैटेलाइट सेंटर से, में एक भी डाउट आपने आज तक नहीं पूछा? सर वो एक दो छोटे मोटे होंगे अगर हम अगर कंसंट्रेशन से ना बैठे हों, वो आपस में दोस्तों से पूछ लेते हैं। मगर देखो क्लास में सेंटर में आने का कितना फायदा होता है, एक ग्रुप बनता है, तो क्लास के बाद आप लोग बात करते हैं ना 5 मिनट, वो भी बहुत अच्छा होता है, एक पॉजिटिव मिलता है, एक एक दूसरे को देखकर एक मोटिवेशन मिलता है। यस सर, तो आजकल बच्चे घर से निकलना नहीं चाह रहे। यस सर, वो डाउट सॉल्व हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, मगर वैसे ओवरऑल जो सर पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप क्लास में पूरा अटेंटिव होकर बैठे हैं, कॉन्सेंट्रेट से पढ़ रहे हैं। यही मतलब मेरा यही एक दुख रहता है कि बच्चे डाउट क्यों नहीं पूछते हैं। सर थोड़ा सा डाउट आते हैं वो हम पूछ सकते हैं आपस में, इतने सारे बच्चों को मतलब डाउट्स आने चाहिए, बट आई थिंक बच्चे और अच्छे अच्छे डाउट्स लेकर आएंगे तो हम लोग को भी मजा आता है डाउट हैंडल करने में। एंड घबराइए मत, हम डाउट्स लेने से कभी नहीं डरते हैं, मुझे डाउट्स लेना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब बच्चा डाउट्स पूछता है तो इसका मतलब उसका दिमाग कितना क्लियर है, तभी वो डाउट पूछ पा रहा है। यस सर, यस सर। तो आप आगे पूछेंगे डाउट, अभी तो क्लासेस चल रही है। सर जरूर जरूर, पक्का? यस सर, मैं इंतजार करूंगा आपके डाउट के पूछने का। और फ्रेंड्स बस कहना, बस यही कहना चाहता हूं मैं कि आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता सही लग रहा है और उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वक्त दिन पर दिन चलता जा रहा है, बीतता जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, जाते जाते इतना ही कहूंगा, वक्त का तकाजा है लहरों से जूझना सीखो, वक्त का तकाजा है लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे सागर को चीरना सीखो। बस अब करना है तो करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।